प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की जो सोच है वो कहीं कहीं इस पूरे बजट में दिखा भी है और बिहार ने पहले भी इसका लाभ लिया है कि 5 किलोमीटर के अंदर ऑर्गेनिक खेती की जो घोषणा हुई है उससे बिहार को मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। नमस्कार, आप डीटीवी भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निशेत ठाकुर। आज संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया है, जिसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, पहले आप वो सुनिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत की यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट भारत के लिए पेश किया है उसकी हम सब सराहना करते हैं और प्रधानमंत्री जी को हृदय से हम सब धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने इस बजट में आगामी 25 वर्षों की का कहीं कहीं विजन है। हम अभी भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे किए हैं और आगामी 25 वर्ष के बाद जो शताब्दी वर्ष होने वाला है तो कहीं कहीं पूरा विजन डॉक्यूमेंट है और प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की जो सोच है वो कहीं कहीं इस पूरे बजट में दिखा भी है। मोटे तौर पर आप देखेंगे कि राज्यों के हित में जो राजकोषीय प्रबंधन के अंतर्गत 50 वर्षों के लिए सूद रहित राशि का उन्होंने प्रावधान किया है और 1,00,000 करोड़ राशि का प्रावधान किया है जो कि राज्यों को उनके आवश्यकता के अनुसार वो दे सकते हैं और बिहार ने पहले भी इसका लाभ लिया है। गंगा उद्भव योजना में 2 किस्त में हम सब लिए हैं, फिर 3रा किस्त भी मिलेगा। अब दूसरी जो बड़ी बात है कि बिहार में गंगा का एक बड़ा किनारा और भूभाग बिहार में है और उसके 5 किलोमीटर के अंदर ऑर्गेनिक खेती की जो घोषणा हुई है उससे बिहार को मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, ये एक अच्छी बात है। और प्रधानमंत्री ने जो पीएम शक्ति गति शक्ति योजना प्रारंभ की है और उसके अंतर्गत जो 7 इंजन जो 7 पायलट सेक्टर को उन्होंने लिया है तो उसको भी उसकी भी चर्चा अभी के बजट में हुई है और उससे सारे पूरे भारत को भी लाभ है और जो संचार का जो अलग अलग माध्यम है, चाहे वो सड़क संचार हो, नदियों के द्वारा संचार हो, चाहे वो एयर रेडियल कम्युनिकेशन हो, सबों में उसका लाभ मिलेगा। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने जो भारत का गरीब तबका है उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख आवास की घोषणा की है जिसमें वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र भी है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो 2022 में समाप्त होने वाला था, आने वाले दिनों में वो विस्तारित होगा और शहर के भी जो गृहविहीन परिवार हैं उसको इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। इससे भी उन्होंने 2,37,000 करोड़ किसानों को भुगतान किया जाएगा, यह भी एक बड़ा फैसला है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ से घोषणा की है कि हम जो किसान है उसके आय को दुगुना करेंगे, तो उस आलोक में यह भी एक बड़ा फैसला है। वैसे कई विस्तार से कई चीज़ों पर उन्होंने चर्चा की है माननीय वित्त मंत्री जी ने, सबों का जिक्र तो अभी संभव नहीं है लेकिन मोटे तौर पर हम कहेंगे कि यह एक बेहतर बजट है और इस बजट में सभी राज्यों का और सभी प्रक्षेत्र के लोगों का भरपूर इसमें ध्यान रखा गया है। डाक घर को भी बेहतर करने के लिए, उसको बैंकिंग सिस्टम से पूर्णतः जोड़ने के लिए भी माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है। आप जानते हैं कि
डाकघर का एक बड़ा नेटवर्क है बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों तक वो पहुंचा है। अगर वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ता है तो मुझे लगता है कि जो अभी DBT और जो कई योजनाएं जो हम सब बैंकों के द्वारा उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं DBT के द्वारा, तो उसमें यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। देखिए, यह बजट तो भारत का बजट है और भारत के बजट के आलोक में भी बिहार को कहीं कहीं बिहार अपने आप को देख रहा होगा या देख रहा है। तो उसके मैंने आपको प्रारंभ में इसलिए कहा कि जो गंगा के किनारे का जो 5 किलोमीटर का जो ऑर्गेनिक खेती के लिए हम सब इस बजट में जो प्रावधान है उसमें सबसे ज़्यादा लाभ बिहार को मिलने वाला है। और पिछली बार 15,000 लाख करोड़ का प्रावधान था, वो 50 वर्षों के लिए जो ऋण दिया जाता है उसको 1 लाख करोड़ किया गया है। तो स्वाभाविक है कि यह तो उससे बिहार पहले भी लाभान्वित हुआ है और आने वाले दिनों में भी। देखिए, विशेष राज्य की का दर्जा का मांग हमारी सरकार ने किया भी नहीं है और इसके पहले जितने आखिर बिहार जो इतना विकास किया है, चाहे वो केंद्र के सहयोग से, चाहे बिहार ने अपने दम पर किया है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, तो स्वाभाविक तौर पर बिहार तो विकास तो किया ही है। आज 15 वर्षों में जो इतना बड़ा परिवर्तन आया है तो वो कहीं ना कहीं बिहार के विकास की गाथा है और उसमें तो स्वाभाविक तौर पर केंद्र का सहयोग है और बिहार ने अपने पैरों पर भी खड़ा होने का साहस किया। आपने सुना, तारकिशोर प्रसाद ने साफ तौर पे कहा है कि जो आम बजट पेश हुआ है लोकसभा में वो सभी के हित में है, फायदा होगा उससे और खास तौर पे किसानों को, युवाओं को ज़्यादा ध्यान दिया गया है और कहीं ना कहीं जो ये बजट पेश हुआ है उससे बिहार में भी लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, बिहार के हित में भी ये बजट है। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से कह रहे हैं कि अनसुना किया गया है, बिहार की बात को विशेष राज्य के दर्जा नहीं दिया गया है, तो उस पर भी डिप्टी सीएम ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड एक पार्टी है, उसका एजेंडा हो सकता है ये मुद्दा, लेकिन जो बजट पेश हुआ है वो बिहार के हित में है। और भी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे, फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।